परमेश्वर के पवित्र नाम की इस अनुग्रहित सुबह में महिमा होने पाए। होशे की पुस्तक 14 अध्याय का 9वां वाक्य, जो बुद्धिमान हो वही इन बातों को समझेगा, जो प्रवीण हो वही इन्हें बूझ सकेगा, क्योंकि यहोवा के मार्ग सीधे और धर्मी उन पर चलते रहेंगे, परंतु अपराधी उनमें ठोकर खाकर गिरेंगे। अनुग्रहित वचन के आधार पर सीधे मार्ग विषय पर मनन करने में प्रभु हमारी सहायता करें। सीधे मार्ग, ये कौन से मार्ग हैं? यहोवा के मार्ग, केवल यहोवा ही के मार्ग ही सीधे हैं। कौन उन पर चल सकेगा? धर्मी उनमें चलते रहेंगे। और कौन ठोकर खाकर गिरेंगे? अपराधी उनमें ठोकर खाकर गिरेंगे। यहोवा के मार्ग सीधे हैं, इन बातों को समझने वाले बुद्धिमान होते हैं। और जिसे ये पता है कि यहोवा के मार्ग सीधे हैं, वो प्रवीण है। ये वाक्य हमें यही सिखाता है। यहोवा के अनुसार जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति ही यहोवा के मार्ग में यात्रा करता है। परमेश्वर आगे आगे चले और उनके पदचिन्हों पर चलने वाला व्यक्ति ही यहोवा के मार्ग पर यात्रा करने वाला होता है। इस मार्ग की एक विशेषता है, यह रास्ता पत्थर और कांटों से भरा, जो छुपके वार करते हैं ऐसे अपराधी, और जहां अनर्थ और विपत्तियां छुपकर रहती हैं ऐसा मार्ग है ये। लेकिन ऐसी प्रतिकूल अवस्थाओं में भी एक धर्मी को इस रास्ते पर विश्वास योग्यता के साथ यात्रा करने की प्रेरणा कहां से मिलती है पता है? ये प्रतिकूल अवस्थाएं उसे तोड़ नहीं सकती। अनंत की यात्रा में परमेश्वर अपने भक्त की सहायता करता है। मुझे सुनने वाले श्रोता, आज आपका मार्ग यहोवा का मार्ग है क्या? हो सकता है आज की प्रतिकूल अवस्थाएं तुम्हें तोड़ने के लिए काफी हैं, लेकिन होशे प्रवाचक के जीवन को देखें। परमेश्वर के प्रतिनिधि होते हुए भी उस प्रवाचक का जीवन यात्रा बहुत ही दुखदायक था। एक तरफ उसकी अविश्वासी पत्नी, दूसरी तरफ बहुत ही दुखी लोगों के साथ रहने वाले उसके बच्चे। परमेश्वर के प्रवाचक होशे के हृदय में विचार और दर्द किसके साथ बांटे? मुझे सुनने वाले प्रियो, अपना जीवन दूसरों के सामने परमेश्वर के लिए इस तरह जीना है। बचकर भागना कोई निष्कर्ष नहीं। हमारे दायित्व जैसे जैसे बड़े होते हैं, मानसिक भाव भी बड़े होते जाते हैं। पर परमेश्वर के दास होशे ये जानता है कि यहोवा के मार्ग सीधे हैं। परमेश्वर के दास अय्यूब के जीवन के बारे में हम जानते हैं, निष्कलंक और सीधा परमेश्वर का भक्त, यहोवा के सीधे मार्गों पर यात्रा करने वाला एक व्यक्ति था। अपने जीवन यात्रा की दुर्घटनाएं जो उसके लिए छुपी बैठी थी, उसकी पीढ़ियां नष्ट हो गई, धन स्वास्थ्य और जो कुछ उसका था सब नष्ट हो गया। उसके दोस्त भी उसके विरोधी हो गए थे और परमेश्वर तेरे विरोध में है ऐसा वे लोग सिद्ध करते हैं। मित्रों के ऐसे ऐसे सवाल जिनका उत्तर देना बहुत ही मुश्किल था, ऐसे प्रश्नों का सामना करते वक्त भी अय्यूब को साफ तौर पर यह पता था कि अय्यूब की पुस्तक 23वां अध्याय का 11वां वाक्य, मेरे पैर उसके मार्गों में स्थिर रहें और मैं उसी का मार्ग बिना मुड़े थामे रहा। परमेश्वर का भक्त अय्यूब जानता था कि परमेश्वर के मार्ग सीधे हैं। परमेश्वर के सीधे पद चिन्हों के पीछे पीछे वो चल रहा है। इसलिए बहुत ही विवेक के साथ 10वें अध्याय में वे कहते हैं कि परंतु वह जानता है कि मैं कैसी चाल चलता हूँ, और जब वह मुझे ता लेगा तब मैं सोने के समान निकलूँगा। आज परमेश्वर के मार्ग पर चलने वाले परमेश्वर के बच्चों, अपने जीवन में यह दृढ़ करो कि परमेश्वर के मार्ग सीधे हैं। परमेश्वर के मार्ग हमें रास्ते में ख़त्म करने वाले नहीं। कितने ही बड़ी प्रतिकूल अवस्थाओं को सहना पड़े, उस अनंतता के द्वार तक ले जाने वाले मार्ग हैं परमेश्वर के सीधे मार्ग। जीवन की कठोरता जब सहन नहीं होती तो परमेश्वर को रास्ता बताने की आवश्यकता नहीं। अय्यूब की पुस्तक 23वां अध्याय का 13वें वाक्य में भक्त कहता है, परंतु वह एक ही बात पर अड़ा रहता है और कौन उसको फिरा सकता है? जो कुछ उसका जी चाहता है वही वह करता है। जो कुछ मेरे लिए उसने ठाना है उसी को वह पूरा करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जो ठाना है उसे छोड़ने के लिए नहीं पर उसको पूर्ण करना है। हमें परमेश्वर के मार्ग पर निरंतर यात्रा करनी है। एक साथ प्रार्थना करें। परमपिता परमेश्वर, आज की प्रतिकूल अवस्था कितनी ही बड़ी हो, आपके वचनानुसार आपके मार्गों पर जीने के लिए
और चलने के लिए आप सहायता करें। आमीन।